Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken Class. Friends, आज मैं आपको 10 वैसे टिप्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, हम इंग्लिश सीखने के लिए किसी भी क्लास को ज्वाइन क्यों करते हैं? क्यों ज्वाइन करना पड़ता है हमें कोई क्लास? क्या वो सारी चीज़ें किसी किताब में नहीं मिलती, किसी बुक में नहीं मिलती जो भी वहाँ पर पढ़ाई जाती है? मिलती है, फिर भी हम इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करते हैं और हमें इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करना पड़ता है. क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वहाँ पर हमें पार्टनर मिल सके जिसके साथ हम इंग्लिश में बात कर सकें, या वहाँ पर हम बेझिझक होकर इंग्लिश बोलने की कोशिश कर सकें. एक ऐसे प्लेटफॉर्म मिलता है हमें इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करने के बाद जहाँ पर हम इंग्लिश बोलने की कोशिश कर सकते हैं और इंग्लिश बोलने वाले पार्टनर ढूंढ सकते हैं, मिल सकते हैं. तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट पॉइंट, वही है फाइंड आउट द इंग्लिश स्पीकिंग कन्वर्सेशन पार्टनर. तो सबसे पहला काम ये आपको करना है कि अगर आप किसी क्लास को ज्वाइन करते हो तो उसी क्लास में से ही आप किसी ऐसे पार्टनर को ढूंढो जो आपसे इंग्लिश में बात कर सके, या जो इंग्लिश बोलने की चाहत रखता हो, जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हो, वैसे पार्टनर को ढूंढो और उनसे बात करो रोज़ाना. रोज़ के रोज़ आप 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे उनसे बात करो. तो ऐसे पार्टनर ढूंढो. पार्टनर ढूंढने से हमें किसी और से बोलना नहीं पड़ता. जैसे हमें शर्म आती है, हिचक आती है कहीं और बोलने से, किसके साथ बोलूं, कोई इंग्लिश समझता नहीं है, या बोलूं भी तो लोग हंसेंगे. तो उन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा और आप जहां इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करके रखे हो आप वहीं से पार्टनर ढूंढ सकते हो. अगर आपने इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन नहीं भी किया है, आप यूट्यूब से सीख रहे हैं या कहीं और से सीख रहे हैं, ऑनलाइन सीख रहे हैं, आप किसी भी तरह से सीख रहे हैं, क्लास ज्वाइन नहीं किया है, तो भी आप एक ऐसे पार्टनर की तलाश करो, ढूंढो जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हो या इंग्लिश में बात करता हो, और उससे आप रोज़ कम्युनिकेट करो, इंग्लिश में बातें करो. ठीक है फ्रेंड, तो हमारा दूसरा पॉइंट है मेक श्योर टू लिसन एज वेल एज स्पीक. मीन्स जिस तरह से आप कहीं से भी इंग्लिश सुन रहे हो, आप जिस मीडियम से भी इंग्लिश सुन रहे हो, चाहे वो मूवीज़ हो, चाहे सॉन्ग हो, चाहे सीरियल हो, चाहे कहीं से भी हो, किसी पर्सन के द्वारा हो, तो आप जिस तरह से आप सुन रहे हो उसी तरह से आप बोलने की भी कोशिश करो. साथ साथ सुनते हुए आप बोलने की कोशिश करो, या किसी को बोल दो कि ये लो किताब आप रीड आउट करो, फिर उसको रीडिंग करने के लिए बोलो, आप उसके साथ बोलने की कोशिश करो. इस तरह से भी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी. ठीक है फ्रेंड, और तो तीसरा पॉइंट है हमारा रिकॉर्ड योर कन्वर्सेशन प्रैक्टिस. अपना रोज़ का जो आप प्रैक्टिस करते हो इंग्लिश बोलने की, अकेले में हो, आप अकेले में करो, अकेले में भी बोलने की कोशिश करो, और उस वॉइस को जो आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, उस वॉइस को आप रिकॉर्ड करो और बाद में फिर उसी वॉइस को आप सुनने की कोशिश करो. सुनो कि आपने कहाँ गलत बोला है, कहाँ किस तरह से सुधार करके बोलना चाहिए. इस तरह से ये प्रैक्टिस करने से, आप रोज़ाना इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी. ठीक है फ्रेंड, तो चौथा पॉइंट है हमारा प्रैक्टिस विथ म्यूजिक एंड मूवीज़. आप फिल्में तो देखते होंगे, आप फिल्में जहाँ देखते हैं, आप जो भी फिल्में देखते हैं, ठीक है देखो ये इंटरटेनमेंट के लिए हम करते हैं, बट अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, सीखने की चाहत है, तो आप वैसी फिल्में ज़्यादातर देखो जो इंग्लिश में हो. अगर आपको इंडियन इंग्लिश वाली फिल्म देखनी है तो इंग्लिश इंडियन इंग्लिश डब मूवी देखो, आप सीरियल देखो, आप टीवी पर न्यूज़ सुनो, गाना सुनो, सॉन्ग सुनो, आप ये सब चीज़ें करते रहो. मूवीज़ देखो और समझने की कोशिश करो. टीवी पर आप कोई सीरियल देख रहे हो, टीवी पर इंग्लिश में सीरियल देख रहे हो, तो इस सीरियल को सुनकर, वो जो बोल रहे हैं उनको सुनकर समझने की कोशिश करो और फिर उसको बाद में बोलने की भी अभ्यास करो. ये जो अभ्यास है, ये प्रैक्टिस है आपकी, आपकी इंग्लिश में ज़रूर इम्प्रूवमेंट लाएगी दोस्त. ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है. आप सीरियल देखो, इंग्लिश डब मूवी देखो,
न्यूज़ सुनो, सॉन्ग सुनो, सुनो, कोशिश करो समझने की, सुनकर, न कि पिक्चर को देखकर, तस्वीर को देखकर जो मूवमेंट होते हैं उनको देखकर आप समझने की कोशिश मत करो, बल्कि वो जो बात कर रहे हैं उनका कन्वर्सेशन वो सुनो और उसको सुनने की और उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा पांचवा पॉइंट है रीड अलाउड। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि तीन चीज़ें करना बहुत ही ज़रूरी होता है, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, तो इसमें पांचवा जो पॉइंट है हमारा वो रीड अलाउड। आपको रोज़ की रोज़ एवरी डे किसी भी इंग्लिश की बुक को लेकर रीडिंग करना है और ज़ोर ज़ोर से करना है, धीरे धीरे नहीं करना, बच्चों की तरह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाल कर पढ़ो, उसको रीडिंग करो। अब फ्रेंड्स आपको ऐसा लगता होगा कि रीडिंग करने से इंग्लिश हम कैसे सीख सकते हैं, ये रीडिंग रोज़ आप करोगे ना तो रोज़ के रोज़ जो नए नए वर्ड्स हैं उससे आप परिचित होगे, फैमिलियर होगे, और बाद में जब आप इंग्लिश बोलने जाओगे, किसी से बात करोगे तो वही शब्द जब आपके जहन में आएंगे बोलने के टाइम में तो लटपटाओगे नहीं, मीन्स उसमें नर्वस नहीं होगे, बोलने में घबराओगे नहीं और अटकोगे नहीं। इसलिए रीडिंग बहुत ज़रूरी होता है, रोज़ लगातार, रोज़ को रोज़, एवरी डे 5 मिनट्स और 10 मिनट्स रीडिंग करने से ज़ोर ज़ोर से बोलकर आपकी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन सुधरेगी और आप इंग्लिश जब भी बोलोगे तो आप बिना अटकाव, बिना अटके आप बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड, नंबर 6 वह है सराउंड योरसेल्फ विद द इंग्लिश लैंग्वेज, मीन्स अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज से घेर के रखो, अपने चारों तरफ इंग्लिश का माहौल बनाओ, मीन्स इंग्लिश न्यूज़पेपर आपके पास हो, इंग्लिश में आप न्यूज़ सुनो, इंग्लिश में आप सॉन्ग सुनो, इंग्लिश में आप मूवी देखो, इंग्लिश बात करने वाले पार्टनर बनाओ, इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करो, इंग्लिश बुक्स पढ़ो, मीन्स आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग, आपके सराउंडिंग चारों तरफ इंग्लिश का माहौल होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज का, तभी आप इंग्लिश बोलना सीख पाओगे। इंग्लिश के पीछे मीन्स भाषा है, ये एक फॉरेन की भाषा है, और हम अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हम हिंदी में सोचते हैं, आप गुजराती में सोचते होंगे, कोई पंजाबी में सोचता है, कोई मराठी में सोचता है, मीन्स जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें आप सोचते हैं, लेकिन हमको अपनी भाषा में सोचकर फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करके इंग्लिश बोलना सीखना होगा, हम डायरेक्ट इंग्लिश में कभी नहीं सोच सकते, बट इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलना है हमें, अपने चारों तरफ इंग्लिश का माहौल बनाइए, अपने आप को घेर कर रखो आप इंग्लिश लैंग्वेज से। ठीक है फ्रेंड, तो सातवां पॉइंट है हमारा टॉक टू योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ मीन्स अपने आप से बात करो, आप अपने आप से बात करो, एक्टिंग करो। मैं अपनी क्लास में भी सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप अपने आप से बात करो, कैसे करोगे, आजकल बहुत सारे मीडियम से हम बात कर सकते हैं, अकेले में हम मिरर के सामने भी खड़ा होकर बात कर सकते हैं, अकेले में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस दीवार के सामने खड़ा होकर बात करो, दीवार से अच्छा मिरर ही रहेगा, मिरर सामने में रख लो, आप इंग्लिश में बात करो, कुछ भी अपने आप से, अपने आप को मिरर में जो खड़ा है उसको सेकेंड पर्सन बोल लो और आप फर्स्ट पर्सन बन जाओ, हेलो हाउ आर यू, वेयर आर यू स्टार्ट, ओ आई वॉज इन द मुंबई, आई वॉज इन मुंबई, वाई नो आई वॉज आस्किंग, जस्ट बस आस्किंग, बस इस तरह से आप कन्वर्सेशन करो, दूसरा पर्सन समझ कर उसको जो मिरर में आपको दिख रहा है, या तो आप, आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, सेल फोन होगा, आप सेल फोन को साइलेंस में कर दो, जहाँ पर भी दो चार लोग दिखे वहाँ पर आप मोबाइल कान के पास लगा कर और बोलना कुछ भी शुरू कर दो, हेलो वेयर आर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू हियर, कम फास्ट, वगैरह वगैरह जो भी कुछ आप देखना, आप चार लोगों के सामने में इस तरह की एक्टिंग करोगे ना तो आपके अंदर से अपने आप इंग्लिश निकलेगी, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो कहीं पर, तो आपके अंदर से अपने आप इंग्लिश निकलेगी, इस तरह से आप प्रैक्टिस करो, यकीन मानो मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसी प्रैक्टिस के द्वारा इंग्लिश बोलना सिखाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आठवां पॉइंट है डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक। आप जब भी इंग्लिश बोल रहे हो तो आप ये मत सोचो, डरो मत कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ये कुछ भी मत सोचो, बस बोलो यार, बोलो, भाषा ये लैंग्वेज है,
आप किसी से हिंदी में बात करते वक्त सोचते हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, कहीं कोई ग्रामर गलत तो नहीं हो रहा है, ऐसा आप सोचते हैं? नहीं सोचते ना। आप अपनी मातृभाषा में किसी से भी बात करते हैं, बात जब शुरुआत भी करते हैं तो नहीं सोचते, फिर हम इंग्लिश में क्यों सोचेंगे? बोलो आप इंग्लिश। इंग्लिश बोलना मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ और सामने वाला समझ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ तो इट्स ओके, इंग्लिश हम बोल सकते हैं, यही लैंग्वेज है। फिर धीरे 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 सुधार आता जाएगा। बट आप बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, सीख रहे हो अभी, तो आप बोलो, बिंदास बोलो, बिना किसी झिझक के बोलो, बिना ये सोचे बोलो, बिना डरे बोलो कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मत सोचो, ठीक है फ्रेंड। और हमारा नौवां पॉइंट है, नाइन्थ पॉइंट, प्रैक्टिस एवरी डे। मीन्स रोज के रोज आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी ये सारे टिप्स आपको मैं दे रहा हूँ, इन सारे टिप्स को आप रोज प्रैक्टिस करो, ठीक है फ्रेंड। आप रोज बोलने की प्रैक्टिस करो, सुनने की प्रैक्टिस करो, सभी चीज़ों की प्रैक्टिस आप करते रहो, रीडिंग करने की प्रैक्टिस करो, सब प्रैक्टिस करो। आप रोज प्रैक्टिस करना है आपको, रेगुलर। ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिया, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, और फिर चार दिन तक फिर सोचा ही नहीं उसके बारे में, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा करना ही नहीं आपको। ऐसा अगर आप करोगे तो आप इंग्लिश कभी नहीं सीख पाओगे। इंग्लिश क्या, आप कोई भी चीज़, अगर आप कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो, अगर सीखना चाहते हो, तो आपको उस चीज़ को सीखने के लिए, हासिल करने के लिए आपको रोज़ टाइम देना पड़ेगा उसके लिए। आप जिस चीज़ के लिए जितना ज़्यादा टाइम देंगे, वो चीज़ उतने ही आपके करीब होगी, ठीक है फ्रेंड। तो लास्ट और आखिरी स्टेप है, प्रैक्टिस फॉर कोर स्किल्स। मीन्स आपको रीडिंग करना है, राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है, और स्पीकिंग, इन चार चीज़ों की प्रैक्टिस आपको हमेशा करना है और रेगुलर करना है, जब तक कि आपको इंग्लिश बोलना अच्छी तरह से आने जाता है, ठीक है फ्रेंड। आप राइटिंग भी करो, राइटिंग करने से भी इंग्लिश में आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, हैंड राइटिंग तो सुधरेगी और साथ साथ वैसे शब्द जो आपके लिए अनजान है उसको आप लिखोगे बार बार, तो वो आपके जहन में बैठेगा और उसको आप बोलते वक्त घबराओगे नहीं, मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है फ्रेंड। रीडिंग करो, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि रीडिंग करो लाउडली, जोर से बोल बोल कर रीडिंग करना है आपको, ठीक है फ्रेंड। लिसनिंग मतलब सुनना, कहीं से भी सुनना, न्यूज़ सुनना, सॉन्ग सुनना, मूवीज़ देखना और सीरियल देखना इंग्लिश में, ये सब सुनने की जो भी मीडियम्स हैं आपको सारी चीज़ें करनी है। और स्पीकिंग, इन सारे चीज़ों के साथ साथ स्पीकिंग इज़ द मोस्ट, बहुत ज़रूरी है स्पीकिंग करना। आप इंग्लिश स्पीकिंग जारी रखो, बोलो, हर किसी से बोलो। अगर आप में शर्म नहीं है, शर्माते नहीं हो, झिझक नहीं है, तो आप हर किसी से इंग्लिश में बोलो, जिसको इंग्लिश आती है उससे भी, और जिसको इंग्लिश नहीं आती है उससे भी आप इंग्लिश में बात करो। जिसको इंग्लिश नहीं आती है उससे आप फर्स्ट टाइम इंग्लिश में बात करो, फिर हिंदी में बोलो उससे, आपकी प्रैक्टिस होगी। आप ये मत सोचो कि लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे, क्या बातें करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आप बस बोलो, कोशिश करो, बोलना शुरू कर दो, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड ये था आज का 10 टिप्स टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप अमल करेंगे। अगर आपने इस पर एक्ट किया, जो भी मैंने आपको 10 टिप्स बताए हैं इस पर अगर आपने एक्ट किया, अमल किया, तो आप शर्तिया, मैं वादा करता हूँ आपसे कि आप इंग्लिश बोलना ज़रूर सीखोगे, ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक, और जाते जाते मैं आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अब तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट और धन्यवाद।